दोस्तों 2023 साल में जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में, वो नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाँ वर्ल्ड कप होगा लेकिन दोस्तों इंडिया में नहीं हो सकता। इसका जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत बढ़ गया है क्योंकि इंडिया और ICC में हो गया है मुठभेद। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये चल रहा है लड़ाई। हाँ एक और बात है, वो पाकिस्तान वाला किस्सा। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप खेलने अगर इंडिया पाकिस्तान को नहीं जाता है तो पाकिस्तान यहाँ पर खेलने नहीं आएगा, हालांकि वो दूसरा किस्सा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है, ये मुद्दा है इंडिया को, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के गवर्नमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 2016 साल में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर भी इशू हो गया था। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, ICC जब ये वर्ल्ड कप जैसे बिग टूर्नामेंट करते हैं किसी भी कंट्री पे, तो ICC चाहते हैं कि जो टैक्स लागू करते हैं गवर्नमेंट, वो टैक्स लागू किया ही ना जाए। या दोस्तों इसीलिए दुबई में ये सब कुछ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट के लिए खुला छूट दिया जाता है, भाई तुम जो मर्जी आए करो लेकिन यहाँ पर करो, हम लोग सब सपोर्ट देंगे। या तक कि वो लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसा ले लो भाई लेकिन तुम यहाँ पर खेलो। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट 2016 की जो T20 वर्ल्ड कप है तभी पैसे, या फिर आप कह सकते हैं जो टैक्स का पैसा है, वो नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन ICC BCCI को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे या फिर कह रहे थे कि आप टैक्स के बारे में सोचो नहीं तो हम दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेंगे। तो BCCI जैसे तैसे मना लिया था इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन अभी 2023 में फिर से वो दिन वापस आ गया है और अभी इंडियन गवर्नमेंट फिर से वो जगह पर जो है बैठे हुए है। और अब ये बताए हुए तो क्या बताए, BCCI लगातार रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि आपको अगर टैक्स पे कर देंगे तो भारत के जो नागरिक है, जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर है, हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे। तो इसके चलते ICC ने ये तक भी कह दिया है अगर टैक्सेशन का वहाँ पर छूट नहीं दिया जाता है तो ICC वहाँ से, मतलब इंडिया से T20 वर्ल्ड कप हटा कर ले जाएगा दूसरी कंट्री, यहाँ पर UAE सबसे आगे आ सकता है। तो दोस्तों इंडिया में ODI वर्ल्ड कप आयोजित हो सकता है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके तीखे मीठे कमेंट का।